राकेश आपके पास इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बैलेंस करता चलूंगा। एक डॉक्टर राकेश एक चीज मुझे बताइए, मुझे एक एक और चीज लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि 303 है अभी, और अभी मैं आंकड़ों में नहीं आ रहा हूं, नहीं तो कई लोगों को लगेगा मैं बहुत शुरू में ही आंकड़ों में आ गया और फिर उसमें उलझने लगते हैं। बीजेपी बहुत साउंड विकेट पे नहीं है, वो कहे कुछ भी, क्योंकि अगर उसकी 30 सीटें कम हो जाती हैं, जस्ट 30, तो बीजेपी की मेजोरिटी जिस दिन नहीं आएगी, और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि एनीथिंग लेस देन 240 मोदी जी विल नॉट बी दी एनडीए कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो लोग उनको अगर सपोर्ट करेंगे तो लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को शायद लोग सपोर्ट न करें अगर और पार्टीज का सपोर्ट उनको लेना पड़ता है, क्योंकि उनके कई कारण हो सकते हैं। उनके कारण हो सकते हैं उनका अपना वोट बैंक, उनकी अपनी पोल की समीक्षाएं, उनका अपना जो भी हो, क्योंकि लोग इसकी बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो सीएमपी में कुछ 37-38 पार्टी थी, और तब ना 370 की बात होती, ये लिखा जाता था कि कॉमन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और हम बाकी चीजों पे साथ हैं। डॉक्टर राकेश आपको क्या लगता है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है मोदी जी ही 2024 में, व्हाई दिस? देखिए आनंद सर, देखा जाए तो आज की पिच सेट कर दिया अमिता जी ने, उन्होंने कहा कि ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है, ये परसेप्शन है, एज्यूम कर लेते हैं लोग, जबकि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक बदलाव के तरीके इतने आसान हैं, और इतिहास गवाह है इस बात का कि हु इज आफ्टर इंदिरा के दौर में भी जनता ने इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतार दिया था। तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था आनंद सर कि 2.5 साल बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को वापस बिठा देगी जनता। तो एक तो इसके पीछे अभी से परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि वे अपना नरेटिव सेट कर देते हैं कि कोई नहीं है मोदी के सिवा, कोई विकल्प नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति। और इस काम में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसका जो तंत्र है, उसका जो सूचना तंत्र है खास तौर से, वो इतना प्रबल है कि वे रस्सी को सांप बता सकते हैं और सांप को रस्सी बता सकते हैं और साबित कर देंगे हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी में, बिना संसदीय दल की सहमति के, बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में बातचीत हुए, माननीय अमित शाह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम 2024 के लिए घोषित कर दिया। यद्यपि ये इतनी सहज बात है कि जब तक मोदी जी, ईश्वर करे वे 100 साल 200 साल रहे पृथ्वी पर और हम सबका जीवन का कल्याण करते रहें, लेकिन जब तक वे हैं तब तक ये कल्पना नहीं की जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी अब पार्टी नहीं है, वो मोदी शाह एसोसिएट नाम का एक प्राइवेट एक संगठन है जिसमें वे दोनों मिलकर सब कुछ तय कर लेते हैं। वरना यही बात अगर किसी और पार्टी में से उठी होती, किसी ने किसी को घोषित कर दिया होता नाम, तो मुख्य धारा का मीडिया इस पर बहस चला रहा होता कि पार्टी में बिना सहमति के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, अभी तो चुनाव में 1.5-2 साल है करीब करीब देखा जाए तो, और मंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इसके पीछे जो बात मुझे लगती है, पत्रकारिता के एक साधारण विद्यार्थी होने के नाते, कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव है, क्योंकि अब 2019 में जिन उम्मीदों के साथ दोबारा जनता ने सत्ता सौंपी थी, 14 से 19 की नाकामियों के बावजूद हम लकीर पीटते रहे पुलवामा हो गया इसलिए जनता ने दोबारा वोट दे दिए, ये सब बेमानी है। जनता ने एक और मौका दिया, लेकिन इस दूसरे मौके की जो विफलताएं हैं वे बहुत बड़ी हैं, उसका खाता बड़ा होता जा रहा है। तो ये संभव नहीं है कि मुख्य धारा के मीडिया के हुआ हुआ करने के बावजूद, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, इत्यादि इत्यादि के बावजूद सरकार का अपना जो सूचना तंत्र है, सरकार की अपनी जो जानकारी लेने की मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं तो ये बता रही होगी कि कोई असंतोष धीरे धीरे जनता में उपज रहा है। भले ही संसद में खड़े होकर जयंत सिन्हा ये कहने महंगाई है कहां, इसके बावजूद जयंत सिन्हा अगर ये कहने कि 2-8 साल पहले की कीमत पर उन्हें सब्जी मिल रही है, हम भोपाल में सर आज ही सब्जी लेकर आए हैं, हम बयान नहीं कर सकते कितनी महंगी हो गई हैं सब्जियां, इसके बावजूद टेलीविजन चैनलों पर महंगाई के पक्ष में प्राइम टाइम डिबेट चलाई जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के पक्ष में प्राइम टाइम डिबेट हो रही है, एक देश के सबसे बड़े चैनल पर उसकी वेबसाइट पर एक खबर मौजूद है तो ये बता रही है कि रुपए की कीमत गिरना बहुत अच्छी चीज है। तो हम ऐसे अमृत काल में जब पहुंच गए, इसके बावजूद
कहीं ना कहीं मोदी जी और शाह जी में कहीं असुरक्षा का भाव होगा कि जनता के अंदर जो असंतोष है ये अगर 24 तक बना रहा तो दिक्कत आएगी। उससे निपटने का एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी नाम के जो लार्जर देन लाइफ इमेज बना के, जो भीम का इमेज, माइटी हिमालयन मैन, उसकी इमेज को दरकने न दिया जाए, इसके लिए अब से ये कहना शुरू कर दिया जाए कि भविष्य में 2025 तक कोई विपक्षी दल नहीं बचेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया और गृहमंत्री जी तो कहते ही रहते हैं हम 50 साल राज करेंगे। तो ये सब कहीं खिसकती हुई जमीन का डर भी है, यद्यपि उन्हें डरना नहीं चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, जनता खुद फैसले पर आ जाए तो अलग बात है, वरना सचमुच में आज की तारीख में मोदी शाह की भाजपा का कोई चुनावी विकल्प नहीं है। आनंद जी, चुनावी विकल्प मैं साफ कह रहा हूं, उनके पास गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस विदाउट गवर्नेंस है उनकी। उनकी जो सरकार जिस तरह काम कर रही है, इसके बावजूद विपक्ष आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि मोदी शाह के चुनावी कौशल से वो निपट सके। फिर भी ये पहलकदमी अभी से इसलिए कर ली गई है कि ये दिखाया जाए कि वे निर्बंध हैं, निष्कंटक हैं, निर्विवाद हैं, उनके सामने कोई नहीं है। जी आनंद, मैं डॉक्टर राकेश आपके पास आ रहा हूं। एक जो बात अमिता जी ने कही तिरंगा वाली बात, क्योंकि ये मुझे भी लग रही थी, तिरंगा को ऐसे प्लेस किया जा रहा है कि अभी तक देश में कुछ नहीं होता था और हम लोग इनकलकेट कर रहे हैं देशभक्ति को, और 13 से 15 और 11 से 15। लेकिन इसमें जो आज दिन में भी संदीप भाई सबसे बात हो रही थी, ये सब हो रहा था, जो फ्लैग कोड को चेंज किया गया है, दिसंबर 2021 में फ्लैग कोड चेंज हुआ है। पहले केवल कर्नाटका कॉटेज जो कौन था वही बना सकता था फ्लैग, खादी का ही बनना था या खादी सिल्क का बनना था, अब उसको उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। पूरी संभावना यह है जो पेपर में आ रहा है कि हम लोग फ्लैग इंपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने फ्लैग हम खरीद बना नहीं सकते, और उसमें पूरी संभावना यह है कि वो इंपोर्ट अगर होगा तो वो कहीं घूम के हो सकता है दुबई से, सिंगापुर से, कहीं और से, वो चीन का ही फ्लैग आएगा। तो जरा देखने वाली बात यह होगी कि सरदार पटेल जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चीन से हमने इम्पोर्ट की, वहां से बनवाई और यहाँ ला के लगा दी, आपको एक खतरा नहीं लगता है कि जो तिरंगा के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी मतलब कुछ उसमें हम चीन का फायदा कर दे रहे हैं? लक्ष्मी गणेश तो अभी तक हम चीन से मंगाने लगे थे, अब तिरंगा भी मंगाने लगे। आनंद सर क्रमशः दो तीन बिंदुओं को ले लेता हूँ। पहले तिरंगे की बात क्लियर कर लें कि पहली बात तो ये कि चाइनीज पॉलिएस्टर को मंजूरी दे दी है सरकार ने, उस चाइनीज पॉलिएस्टर के ही तिरंगे बन रहे हैं। जहां तक इस अभियान का प्रश्न है, मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर है और बहुत जगह वायरल हो रहा है, मेरी फेसबुक पर भी बहुत चला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो तिरंगे को अपशकुन मानता था। यहाँ सब विद्वत जन है, सबको मालूम होगा कि जब तिरंगा सबसे पहले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने बनाया, गांधी जी को दिखाया, सम्मेलनों में जाते थे। शुरू में उसमें लाल पट्टी थी, गांधी जी के सलाह पर उसको केसरिया किया और फिर एक और कार्यकर्ता थे उनके कहने से चरखा उसमें लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, बहुत 1-30 सेकंड में निपटा देता हूं ताकि यह समझ में आ जाए देश को, आपके दर्शकों को, कि तिरंगे के प्रति मूल भावना इनकी क्या है और उसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये आह्वान किया गया कि अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को देश भर के लोग तिरंगा अपने अपने घरों पर लगाएंगे। इस आह्वान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक पत्र लिखा स्वयंसेवकों को, हिंदुओं को, कि कोई तिरंगा नहीं लहराएगा, सब अपने अपने घरों पर भगवा लहराएंगे। इसके बाद जब संविधान सभा ने मंजूरी दे दी इस तिरंगे को, उसमें अशोक चक्र लगा के, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 को, अगले दिन लाल किले पर फहराया जाना था तिरंगा, उसके एक दिन पहले संपादकीय लिखा गया कि भारत का हिंदू तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा। गुरु पूर्णिमा पर्व नागपुर में संघ मुख्यालय में हुआ, उससे पहले उसमें भी सरसंघ चालक ने कहा कि तिरंगा तीन रंग अपशगुन है भारतीय संस्कृति में, ये देश के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये तो स्वतंत्रता से पहले, और उसके बाद 52 साल तक रेशमी बाग मुख्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है नागपुर में, वहां तिरंगा नहीं फहराया गया। 2001 में तीन युवकों ने वहां जाकर फहराने की कोशिश की, सबकी जानकारी में। खैर, ये प्रतीकात्मकता सिर्फ इसलिए
देश और समाज के ऊपर थोपी जा रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं की कोई भूमिका न होने का जो अपराध बोध है, वो जो गिल्ट है, उसको किसी तरह ढका जाए। यहां आपको ये नहीं भूलना होगा कि अभी कर्नाटक में एक मंत्री थे के एस ईश्वरप्पा, उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा। अभी भगवा शायद किसी भगवा ने, भगवा फैलाया फैलाया माफी चाहता हूँ, ये जनवरी में उन्होंने कहा था, फिर अभी जून में फिर से दोहराया है। जनवरी में उन्होंने कहा था 100-200 साल लग सकते हैं, अब उन्होंने कहा है कि जल्दी कभी भी लहराया जा सकता है। क्या उस मंत्री के बयान की निंदा जेपी नड्डा ने की, माननीय अमित शाह जी ने की, क्या वहां के मुख्यमंत्री ने की, क्या माननीय नरेंद्र मोदी ने की? नहीं। तो तिरंगे की बात को अंतिम तौर पर मैं यहां विराम दूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी यूरोप यात्रा में गए थे, वहां कुछ प्रवासी भारतीयों ने एक भगवा झंडा लहराकर उनका स्वागत किया था। वो 7-8 सेकंड की वीडियो क्लिप भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, पीएमओ ऑफ इंडिया, उससे ट्वीट किया था माननीय मोदी जी की तरफ से किया गया था। उस भगवा झंडे को बड़े उत्साह से, उसमें कैप्शन था कि गौरव का पल इत्यादि इत्यादि, हजारों लाखों लोगों ने ट्विटर पर पीएमओ से कहा कि कृपा पूर्वक भगवे को इस तरह से महिमा मंडित मत कीजिए, ये देश का ध्वज नहीं है। तो असल एजेंडा लाल किले पर भगवा फहराना ही है, भले अभी आपसे चाइनीज पॉलिएस्टर का झंडा लहरवा लिया जाए। एक खतरा और है, देशभक्ति के, राष्ट्रवाद के सोल सोल सेलिंग एजेंट, ठेकेदार, राजनीतिक विचारधारा के लोग कहीं ऐसा ना करें कि 11 से 15 अगस्त के बीच में कि किसी के घर पर तिरंगा न फहरा हुआ हो और उसके नाम में अगर पीछे खान अब्दुल इत्यादि लगाओ तो कहीं उसके घर पर जाकर लिंचिंग न कर दे, क्योंकि देशभक्ति का ठेका तो उनको मिला हुआ है। मैं अपनी डीपी नहीं बदलूंगा, मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी या माननीय नरेंद्र मोदी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। विषय पर लौटते हैं, संदीप सर, आपने एक बात कही कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, उस समय वे 3 बार के मुख्यमंत्री थे। सर, मैं एक ऐसी घटना का साक्षी हूं, मैं आप सबको याद दिला देता हूं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं हुए थे, तब ग्वालियर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, मैं उस वक्त वहां नई दुनिया का संपादक था। उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तब के लौह पुरुष श्री लालकृष्ण आडवाणी मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपने उद्घाटन सत्र के भाषण में, जिसमें हम लोग अलाउ थे प्रेस के लोग, उसके बाद फिर बाहर हो गए थे क्योंकि वो बंद कमरा बैठकें होती कार्य समिति की, आडवाणी जी ने यह कहा था कि नरेंद्र भाई ने अगर गुजरात की तरक्की कर दी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गुजरात तो पहले से विकसित था, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा काम किया है, एक बीमारू राज्य को, मध्य प्रदेश को, विकास के रास्ते पर यहां ले आए। आडवाणी जी की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी, क्योंकि आडवाणी जी ने मोदी के बरक्स शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा योग्य बता दिया था। तब आडवाणी जी नहीं जानते होंगे कि वे राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच से मोदी जी के कर कमलों से ही ओझल किए जाएंगे। तो अब ये तो तब की स्थिति है जब मोदी जी न प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए थे, गोवा की राष्ट्रीय कार्य समिति नहीं हुई थी, और उसके बाद गोवा में नाम तय होने के बाद आडवाणी जी के घर पर दिल्ली में पत्थर फेंके गए थे मोदी जी के समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके फुटेज आज भी मौजूद है। एक विषय और, ये विषय यहीं समाप्त करता हूं। मेहरू जी, आपने एक बात कही और सबके, हम सब लोग शिकार हैं, हम सब लोग इस विचार के शिकार हैं, क्योंकि विपक्ष नहीं है कोई, कोई विकल्प नहीं है इनका। विपक्ष क्या कर रहा है, हम विपक्ष से सवाल पूछेंगे, जनता की लड़ाई नहीं लड़ता है। मैं बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे चीन के अतिक्रमण का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, ऐसा एक भी विषय बता दीजिए जब देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन न किया हो। महंगाई पर पूरे देश में आंदोलन किया है कांग्रेस ने, कोरोना काल में सबसे ज्यादा जनसेवा कांग्रेस ने की और सरकार की विफलताओं के पर सवाल पूछे, लेकिन हम एक संदिग्ध डिग्रीधारी व्यक्ति को योग्य मानकर 1,000 करोड़ के उस अभियान की सफलता में हम भी उस मैनेजमेंट में फंस जाते हैं कि एक पढ़ा लिखा कैम्ब्रिज से एमफिल आदमी पप्पू है, और हम ये पूछने लगते हैं विपक्ष है कहाँ। दरअसल हम भी तो उसी रणनीति के शिकार हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय मुख्य धारा का मीडिया विपक्षी आंदोलनों को दिखाता नहीं है।
आनंद सर, अभी मैं 15 दिन पहले एक चैनल पर डिबेट में था, उस पैनल में मौजूद 5 में से 4 लोगों को यह नहीं मालूम था कि हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस के सांसद ने, अग्निवीर योजना के खिलाफ एक दिन पहले ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकाला था, क्योंकि राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया ने दिखाया ही नहीं। हजारों लड़के संदीप सर, हजारों मशाल लेकर निकले थे हरियाणा में, लेकिन हमारे आप, मैं फिर भी विनम्रता से कह रहा हूं, इस पैनल के लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि कांग्रेस के एक सांसद ने इतना बड़ा जुलूस अग्निवीर योजना के खिलाफ निकाला था। तो विपक्ष तो लड़ाई जनता की लड़ रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा, और दूसरा जिम्मेदार स्वयं भारत का मतदाता है, नागरिक है, वो मतदाता जिसे 2014 से पहले महंगाई डायन लगती थी और अब डार्लिंग लगने लगी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 121 रुपए का बालाघाट में पेट्रोल बिक गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 35 रुपए किलो का आटा मिल रहा है बाजार में, 80 रुपए किलो का गोभी मिल रहा है बाजार में, और संसद में खड़े होकर मंत्री कह देता है महंगाई नहीं है, और जनता खामोश बैठी है। तो अकेला विपक्ष जिम्मेदार नहीं है मेहरू जी, विपक्ष जो कुछ कर सकता है इस फासीवादी निजाम में, बहुत स्पष्ट कहता हूं मैं, ये शुद्ध रूप से एक फासीवादी सत्ता है। इसके सामने जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं नतमस्तक हो चुकी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वे उस घटक दल के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तो ऐसे समय में अब जनता की ही जिम्मेदारी है, किसी राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अब इस देश की जनता के लिए लड़ने की जिम्मेदारी किसी विपक्षी दल की नहीं है। कोई राहुल गांधी आकर किस किस आदमी को बताएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया? क्या वो जब अपने स्कूटर में पेट्रोल भराने जाता है उसको नहीं लगता? कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव किस किस को ये बताने जाएगा कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है? कोई राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या XYZ किस किस को बताने जाएगा कि डॉलर 80 रुपए का हो गया है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर घर जा रहे हैं? ये किसी को बताने की जरूरत है? देश का स्वाभिमान खत्म हो गया है, उसे इस भुखमरी में 5 किलो अनाज लेकर जाना, गौरव के साथ जिंदा रहना अगर लग रहा है, तो किसी विपक्षी दल की, किसी आनंद वर्धन सिंह की, किसी डॉक्टर राकेश पाठक की जिम्मेदारी नहीं है कि अब इस देश की जनता को जगाए। वो क्षमा कीजिए, मैं बड़ी निराशावादी बात कर रहा हूं, लेकिन अब जिम्मेदारी मैंने ये बैठन अब जनता को सौंप दी है कि अब आपको जागना हो तो जागिए, वरना निजाम तो ऐसा है कि लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, राज इंदौरी साहब का शेर है, आनंद जी बस खत्म कर रहा हूं, लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, बादे सबा यानी सुबह की चलने वाली पुरवैया, पुरवाई हवा, लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, पांव तक फैले अंधेरों को जिया कहते थे, जिया यानी रोशनी प्रकाश, पांव तक फैले हुए अंधेरों को जिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी कुछ लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो इस वक्त ऐसा ही दौर है, ये लोग खुद को खुदा समझ बैठे हैं, इसलिए इन्हें अब तख्ते ताऊस से उतारने की जिम्मेदारी जनता की। आनंद जी, शुक्रिया। बात को